राजनगर में 150 किसानों के बीच किया गया चना व सरसों बीज का वितरण। कृषि तकनीकी सूचना केंद्र राजनगर में शुक्रवार को 150 किसानों के बीच प्रति लाभुकों को 15 किलोग्राम चना एवं 2 किलोग्राम सरसों बीज का वितरण किया गया। मौके पर मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुजू, जिला परिषद सदस्य श्रीमती मालती देवगम, प्रखंड प्रमुख ओलिव ग्रेस कुल्लू एवं उप प्रमुख सुमना देवी उपस्थित थी। इसी दौरान जिला कृषि पदाधिकारी विजय कुजूर ने बताया कि राजनगर प्रखंड के किसान कृषि आधारित अपनी जीविका चलाते हैं और कृषि विभाग कृषि कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को अनुदान पर बीज और कृषि उपकरण मुहैया कराते रहती है। इसी के निमित्त शुक्रवार को 100% अनुदान पर प्रति लाभुक को 15 किलोग्राम चना और 2 किलो सरसों बीज का वितरण किया गया। इस मौके पर बीटीएम जितवाहन मुर्मू, एटीएम राकेश कुमार, शंकराचार्य महतो, डोबरो देवगम समेत किसान मित्र नीलकमल महतो, विधेश्वर महतो एवं कई लाभुक उपस्थित थे। ये जो हमारा आज जो हम लोग यहाँ पर चना और सरसों का वितरण कर रहे हैं, ये 100% सब्सिडी पर, 100% छूट पर हम लोग दे रहे हैं किसानों को। और ये डेमोंस्ट्रेशन की सीड है, इस पर हम लोग जितने भी किसान को दे रहे हैं वो अच्छे तरह से खेती करें ताकि सभी लोग मोटिवेट हों और अच्छे से वो लोग भी खेती करें, हमारा मकसद ये है। ठीक है, इसमें हमारा जो है कि इस प्रखंड के अंतर्गत हम लोग 30 क्विंटल चना और 12 क्विंटल सरसों हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं और हमारे जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि हैं सभी के सामने हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं ताकि इस तरह की कोई बात सामने ना हो कि हमारे किसानों को सीड नहीं मिला या इस तरह की कोई बात ना हो। ये आपका 100% सब्सिडी, मतलब 100% छूट पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है। खंड के अंतर जितने भी किसान हैं, अभी हम लोग ब्लॉक चेन सिस्टम के माध्यम से सभी का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन का उद्देश्य ये है कि जितने भी किसान का रजिस्ट्रेशन होगा उनको हम लोग लाभ देंगे और एक व्यक्ति को एक वन टाइम आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रिपीटेशन हो, मतलब एक व्यक्ति चार बार लाभ ले रहा है, ऐसा नहीं हो, सभी को मौका मिलना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है, उसी बात है कि इस रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये भी है कि जो भी आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हों, चाहे आपके सीड्स हों, चाहे आपके ट्रेनिंग हो या इस तरह के जो भी हमारे सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है उसका सभी को लाभ मिले और हमारे संज्ञान में और हमारी जानकारी में भी रहे कि हमारे कितने लोगों को हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कितने लोगों को फायदा दिया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है सर, कहाँ से कर सकते हैं? रजिस्ट्रेशन जो है कि हमारे ब्लॉक में, उसके लिए हमारे ATM और BTM हैं और हमारे कृषक मित्र हैं जो कि रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसकी सारी प्रोसेस जो है हमारे किसान, हमारे ATM और BTM को सभी को हमने बताया है। सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ सुखाड़ से संबंधित एक योजनाएं चल रही है, ठीक है, जिसमें कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना और फसल राहत योजना, तो इसमें हम लोगों ने अपने ATM BTM को और किसान मित्र को भी हमने इसमें मतलब आदेश कर दिया है कि इसमें जितने भी हमारे लाभुक होंगे, जैसे कि हमारा 75,000 पूरे जिला लेवल पर 75,000 का हम लोगों ने ऑलरेडी हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था और 41,000 का हम लोगों ने इसमें करीब करीब हम लोगों ने एप्लीकेशन जनरेट करा दिया है, ठीक है। तो इसमें जो सुखाड़ राहत की योजना का जो लाभ मिलना है किसानों को 3500 रुपये के हिसाब से लाभ दिया जाना है और फसल राहत भी जो योजना में अभी सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाना है जो कि हमारा नीमडी प्रखंड को इसका लाभ दिया जाएगा, तो ये सरकार के द्वारा जब आएगा तो इसकी सूचना।